इवन नरेंद्र मोदी वो डाडी को नहीं काटी गई है कगिया यो इतना देश ना पति नहीं कर रहे जी है इसका शेरा बहन का बगन हो गया दिल्ली में किसान अच्छा हां इतनी बात है मेरी शेरा बहन का पढ़ेंगे नहीं सॉरी किसके ले आऊंगा तो बता नरेंद्र मोदी के ले आवांगे पोती पोती उसका भाई की होगी काकत आऊगी होगी कट्टर की होगी किसी की तो पावेगी हमने छोड़ दे को नहीं गजब हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों मनजीत कोथकी राम राम साथियों खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे आज पूरी रैली ट्रैक्टर रैली नहीं मैं कह सकता रेला था पूरा बहुत ज़्यादा संख्या में ये तो लगभग 5-6 गाँव में ट्रैक्टर कह सकूँ मैं हरियाणा ही ट्रैक्टर आ जाए नहीं तो पूरा हरियाणा जाम एक मिनट में सरकार गिर सके थी ईसा खतरनाक आज दृश्य देखे हमने तो किसान है किसानों से बात करेंगे क्या कुछ रहे राम राम जी राम राम जी आज क्या कुछ चल रहा था ये प्रोग्राम मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे भाइयों को राम राम देना चाहता हूँ हाँ आज एक रिहर्सल था जी छोटा फिल्म का अच्छा हाँ हाँ दिखाने के लिए ट्रैक्टर का जाम सा तोड़ रेता रहता तैर दिल्ली जाओगे 25 तारीख को इसलिए 25 तारीख को आज छोटू राम की पुण्यतिथि थी उसे प्रोग्राम हाँ हाँ किसान नेता था वो हमारा उसकी पुण्यतिथि पे छोटी रिहर्सल करी थी तेल ताल सा बदल गया उनका ट्रैक्टर अच्छा। रेता उतर गया 25 तारीख को दिल्ली जाएंगे फिर सफाई तो बढ़िया डाल 26 ना हो जाएगी जमा सरकार की भी करांगे या कख नहीं सारा सौदा साफ कर देंगे जमा कानून कानून को बदल दे प्रधानमंत्री ने बदल देंगे इतना संग जा बात थमदा नहीं है दिल्ली में कुछ भी इब तक उसका जो तक नहीं रहेंगे रे वो तो पकड़ रखा रेंगे खेती हाँ भाई रेंगे तो जी उसका गात रह रहा हो और पकड़ रखा उसका तो ठीक है नहीं सारे उठा के पलट देंगे एक बात और है किसानों ने कहा था कि 9 तारीख 8 तारीख न यस और नो का फैसला होगा तो उसमें के फैसला रहा है बस नोए का रहा है नो का रहा और क्या करीब अगली डेट वो देवा है वो तो दे जाओ कोई बात को नहीं मामला तो 26 की दरखी है 26 की दरिया हाँ हाँ 26 की परेड सीधी परेड है और को अटानिया हो तो बता दे आपके माध्यम से ले रहे हो तो को तरीका हा ला लेगा नो कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री झंडा फहरा होगा और जो बीच में मैंने किसान जाऊंगा उसकी रुकावट पैदा होगी तो ना तो प्रधानमंत्री झंडा फड़ा अंदर ना रुकावट होंगी तेरे जो तो बता दी देखा कुने मैंने दूसरा देश का होता हो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है वो तो क्या कैंसिल है क्यों किसानों का यो देखा नहीं प्रदर्शन कैंसिल कर गया है तो ये तो हमने सारे जापते कर दिए बैरिकेड टाण के भी सिस्टम ला दिए ट्रैक्टर का हजारों ट्रैक्टर तैयार कर दिए कुछ भी नहीं खड़ा होता मेरा बच्चा भी नहीं पाता दिल्ली में आप आए तो फोटो तरदा पाओगे और मैं चलता पाऊंगा आपने चैनल के माध्यम से बताना चाहूँ तो गल्ले चल लगा मारा तो गल्ले रहे तेरे सारा कट रहे हमारा भी तो पहला चल लेंगे ठीक है ठीक है कोई खतरा को नहीं सारे काम पक्के हैं और कल फिर एक खट्टर साहब भी आ रहे हैं करनाल में महापंचायत तो कुछ कर लिया उसका कमरा का भीतर बाहर नहीं होने देंगे कुछ भी ईट लगेंगी पाछे पिटे था याद को खट्टर गए अंबाला में लाठी डंडे चले थे उस पर कम बुद्धि के है ये बरटा मर के पछली बात तो कौन सीख लेंगे हाँ भाई और बेजती करवा के जाओगा असल में तो इज्जत सही को नहीं कहे फिर बचरी होगी तो रगड़ जाएंगे हाँ जी खट्टर साहब ने नुकया है चाहे कुछ भी हो जाओ मैं करनाल में जाऊंगा जो महापंचायत रखी नहीं उसमें जाऊंगा मैं महापंचायत किसानों की रखी है ना हाँ, किसानों की किसान ही नहीं जाएंगे महापंचायत किसी की रख लो उसमें एक भी किसान ही नहीं जाएगा वो महापंचायत बना लो अपने अपने आदमी या अपने वर्करा ने इकट्ठे करके महापंचायत कोई महापंचायत बना लो जुड़ेगा नहीं वो किसानों का होगा या बीजेपी का है या कोई और उसमें कोई किसान नहीं होगा ना आज तक किसान इनके पास में गया किसान 26 तारीख से लेकर अभी तक किसान इनसे बहुत नाराज है और नाराजगी का कारण है किसान तो हर जगह मरा हुआ है किसान की फसलों के दाम देखो किसान के गेहूं के दाम देखो सरसों के दाम देखो और उसके बाद में धान के दाम देखो मैं 1994 के अंदर फोर्स के अंदर भर्ती हुआ था उस टाइम 2250 रुपये तो धान थी और 2250 रुपये था कपास का रेट और मेरी तनख्वाह भी 2250 थी अभी मैं पेंशन आया हूँ मेरी तो बेसिक 35,000 चली गई किसान उससे भी बैक है किसान तो मरिया पड़ा है किसान मरने और मारने से नहीं डरता किसान तो बर्बाद हो चुके हैं ये जो काले कानून आए हैं ये किसान के हक के नहीं हैं इन कानूनों को सरकार ने अपना विचार करके ने इनको वापस ले लेना चाहिए
जिद अच्छी नहीं होती। जब जनता इसको चाहे नहीं रही, पहले तो ये बताओ ये कानून मांगे किसने? जो ये कानून बनाते हैं ना, इनको किसी को खेती के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कोई कहखगड़ नहीं है। कितना भी जो कृषि विशेषज्ञ है या कोई भी नेता है, वो आके खुला बहस करो किसानों से, किसानी होती क्या है, इनको क्या पता किसानी क्या होती है, किसानी कैसे की जाती है, इनको पता ही नहीं। ये तो इलेक्शन के टाइम में एक गारा भर के ना, एक गारा दुष्यंत नहीं भरा था, एक मामालानी नहीं भरा था। जब पूरी पांच तार है ना, नसें खड़ी हो जाती हैं, पसीना आता है, इनको क्या पता। ये तो खाली एसी में बैठ के आईएएस और आईपीएस अफसरों की सलाह लेके, अरे भाई किसान बजट बना देते हैं, ऐसे नहीं बनता। इस इन कानूनों को वापस लो, किसान जैसे पहले थे उसी तरह चलने दो। किसान और जवान आपस में लड़ाने के लिए है, ये दूसरे देश के लिए लड़ने के लिए है। आज से 92-92 के अंदर विदेशों से अनाज आता था, आज हमारे भंडार भरे हैं। किसकी बदौलत है? वो किसानों की बदौलत है। किसानों के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल सहन नहीं होगा। हम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। एक बात और है जी, जैसे अपने एक देश का दुर्भाग्य रहा है कि शिक्षा मंत्री तो अनपढ़ है, अरीब नुक किसान ने बिल समझ में नहीं आ रहे। किसान पढ़े लिखे भी हो गए, उनके बालक भी पढ़े लिखे हैं, तो ऐसा क्यों है? ऐसे जी, जो अपनी फिलहाल गवर्नमेंट है ना, इनकी जो राजनीति करने का तरीका है, मेरी तो समझ से परे है। जो जो इकोनॉमी का जानकार हो, वो तो फाइनेंस का जानकार हो, वो उसको वो विभाग देना चाहिए। सीतारमण है जो हमारी रक्षा मंत्रालय दे रखे है, वो फाइनेंस की थी, फाइनेंस वाला उसको विभाग चाहिए था। ये 10+2 पास है या जो सी शिक्षा मंत्री है, उसको क्वालिफाइड चाहिए था। कहने का मतलब जो चीज़ जगह जिसके लायक हो उसा वैसा ही पद देना चाहिए। अब उदाहरण के तौर पे मैं बता दूँ आपने, ईपीटीआई मास्टर लाग रहा है डिप्लोमा करके, गेम का उती बेरा को नहीं, वो बच्चों को क्या फॉलो करेगा, क्या शिक्षा देगा? ठीक है, मेरी तो यही है बस, जो काबिल आदमी हो जिस जगह के लिए, जिस सीट के लिए, उसी को वो जगह सौंपनी चाहिए। और जी, कोई किसानों संदेश देना चाहो? मेरा तो यही संदेश है जी, जो हमारे किसान भाई हैं, चाचे ताऊ हैं, मेरा तो एक ही संदेश है, जिस घर का अनुशासन बढ़िया होगा वो घर बढ़िया चलेगा, जिस प्रदेश का अनुशासन बढ़िया होगा वो स्टेट बढ़िया चलेगी, और जिस देश का अनुशासन होगा वो देश बढ़िया चलेगा। मेरी तो इस आंदोलन में अनुशासन प्रिय रहना, सभी किसानों से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, अनुशासन में रहेगा, हमने इसको बढ़ जीत की ओर बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे, और जीत निश्चित मिलेगी, लेकिन अनुशासन में रहकर। और आपके माध्यम से सरकार से भी हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है, गुजारिश है मेरी, मतलब ये तीनों काले कानून है जो, ये वापिस लेने चाहिए सरकार ने, और सरकार अपना काम करे, किसान अपना खेत में काम करेगा। मेरी तो यही अर्ज है जी, भाई तीनों काले कानून वापिस ले। मैं आशंका रखता हूँ मैं इसमें बहुत बड़ा टकराव होगा, नहीं बहुत भारी नुकसान होगा, सरकार के संभालने का बस की बात नहीं रहेगी। हमारे भाई, हमारे परिवार के, हमारे बेटे, हमारे चाचे, चाहे अर्ध सैनिक बल है या फौज है, मतलब वो हमारे हैं और उन्हें के हम भाई हैं। किसान का एक बेटा खेती करे तो एक देश की सेवा करता है, वो हमारे प्रहरी हैं। ऐसा नो भाई, मतलब आशंका है, सरकार अपने ध्यान दे, सारी बातें मद्देनजर रखे और इसको चैप्टर को क्लोज करें। और आपके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय न्यायाधीश हैं, जो इस मैटर में जैसे भी तारीख लगी हुई है, उनसे भी आपके माध्यम से नम्र निवेदन है भी भाई, इस पर पूरा सोच विचार के, अपने विवेक से, प्रेशर से निर्णय नहीं ले, अपने विवेक से बढ़िया निर्णय दे, ताकि इसमें सरकार की भी राय और किसानों की भी राय। 11 तारीख दी है ये सुप्रीम कोर्ट, तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, तो अगर किसान ने ये बिल बनाए नहीं, किसान तो SDM तक जाए इसके, हर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया, सरकार के लिए थी या तो सीधी बात ऐसा है जी, सरकार है मोदी गलत हो काम हो रहा है। एक तरफ तो कुआ, एक गाना नहीं है, एक तरफ कुआ दिखे एक पड़े एक तरफ जेरा, न्यूनंद तो उनका शान फरामोश हो रहा, नहीं हो भाई अनिल
मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी और यू अडानी का और उरा न होगी ये किसान। और जब जनता या किसान जब सड़क पा चुके नहीं कि मिनकी में तकलीफ है, तभी वो सर्दी में वहाँ जाकर रह रहे हैं। किसी ने किसानों ने शौक नहीं वहाँ जाकर रहने का, ये मजबूरी है, ये हमारी फसल और नस्लों को बचाने का मतलब धर्म बन चुका है। और ये धर्म की और सत्य की लड़ाई है, इसमें इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सरकार मान जाएगी तो फायदे में रहोगी, इसी में देश की भलाई, किसान की भलाई। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद।